सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो फ्रिक्स चैनल को और बाद में जो घंटे का आइकन है उसे भी इनेबल कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओपन के तो ओपन में क्लिक करने के बाद आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने फाइल क्लोज किया था जिसमें मैंने इस ट्यूटोरियल के बारे में लिखा था वो यहाँ पर फुल शो कर रहा है। जैसे हाई दिस इज इग्निशियस, सेम जो फाइल मैंने पहले क्लोज की थी वही फाइल यहाँ पर रिकवर हो गया फुली 100%। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इग्निशियस एंड आई बैक विद द वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ काम कर रहे हो, राइट? आपका पूरा काम होने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस फाइल को हम सेव करते हो। बट आप यहाँ पर सेव करने के बदले आप बाय मिस्टेकली यू क्लिक ऑन डोंट सेव इंस्टेड ऑफ सेविंग दैट फाइल। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले कि आप उस फाइल को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इग्निशियस और आप देख रहे हैं टेक्नो फ्रिक्स। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अभी अपने डेस्कटॉप में हूँ एंड उसमें मैं अभी वर्ड ओपन किया है। ओके, तो अभी मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट बना के रखा हूँ कि तो उसमें अभी मैं पेस्ट कर लेता हूँ कि तो मैंने ये जो ट्यूटोरियल है उसके बारे में यहाँ पर टाइप करके रखा हूँ कि हाउ टू रिकवर दिस फाइल। ओके, तो अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। ओके, तो अभी मैं इसे क्लोज करके एंड आई विल क्लिक ऑन डोंट सेव। ओके, तो मैं अभी क्लोज कर लिया एंड डोंट सेव में क्लिक कर दिया। ओके, के डोंट सेव में क्लिक करने के बाद देखिए अभी मेरा पूरा फाइल क्लोज हो गया है। तो अभी आपको फिर से वो फाइल रिकवर करने के लिए आपको न्यू वर्ड फाइल ओपन करना होगा। तो अभी मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, तो अभी मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लिया। ओके, क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप में जाना होगा जहाँ पर लिखा हुआ फाइल। ओके, फाइल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा इन्फो। ओके, तो अभी मैं इन्फो में क्लिक कर लेता हूँ। इन्फो में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थ्री ऑप्शन शो कर रहा है। ओके, तो आपको अभी यहाँ पर क्लिक करना होगा मैनेज डॉक्यूमेंट। ओके, तो मैनेज डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टू ऑप्शन शो कर रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा जिसमें लिखा है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो अभी मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको एक फोल्डर ओपन होगा कुछ इस तरह। तो देखिए यहाँ पर फोल्डर में दो फाइल शो कर रहा है। ओके, तो आप अभी यहाँ पर करंट टाइम देखिए, करंट टाइम अभी मेरे डेस्कटॉप में है 10:54 PM एंड यहाँ पर जो दो फाइल शो कर रहा है एक का जो टाइमिंग है 10:35 PM एंड सेकेंड जो फाइल है उसका टाइमिंग है 10:53 PM। तो मतलब मैंने अभी जस्ट एक मिनट पहले मैंने एक फाइल क्लोज किया था तो यही रहेगा 10:53 PM। तो अभी मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ कि तो मैंने अभी क्लिक कर लिया सेकेंड ऑप्शन में जो 10:53 PM शो कर रहा है एंड आई वे क्लिक ऑन ओपन। ओके, तो ओपन में क्लिक करने के बाद आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने फाइल क्लोज किया था जिसमें मैंने इस ट्यूटोरियल के बारे में लिखा था वो यहाँ पर फुल शो कर रहा है। जैसे हाई दिस इज इग्निशियस, सेम जो फाइल मैंने पहले क्लोज की थी वही फाइल यहाँ पर रिकवर हो गया फुली 100%। सो आप इस तरह से कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अनसेव्ड फाइल को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। सो गाइस, कैसा था आज का ट्रिक? आई नो आपको ये रियली पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो एज यूजुअल लाइक दिस वीडियो एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में जो घंटे का आइकन है उसे भी इनेबल कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।